Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will learn about second generation of computers. Last time we have seen what are the first generation of computers. The first generation of computer 1946 se 1955 के टाइम पीरियड के दरमियान ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो चलते थे, और इनमें जो सबसे फेमस जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था दैट इज़ एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. उसके बारे में हमने ये देखा था कि ये जो कंप्यूटर थे ये साइज़ में बहुत बड़े थे. इस कंप्यूटर को 62 स्क्वायर मीटर स्पेस रिक्वायर्ड होती थी, इतना बड़ा इसका साइज़ होता था. फिर हमने ये देखा कि एनर्जी कंजम्पशन वो बहुत ज़्यादा थी, विच इज़ राउंड अबाउट 1700 किलोवाट्स. फिर एक्सपेंसिव बहुत था, फिर रिलायबल नहीं था कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो इसकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा टफ होती थी. और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्पीड थी ये इसकी बहुत स्लो थी, तकरीबन जो है वो 4000 to 5000 कमांड्स पर सेकंड में ये उसको कंप्यूट करता था, उसको सॉल्व करता था. इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स थी. मैंने आपको बताया था कि ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो एज अ स्विच के तौर पे काम करती हैं, जिस तरह हमारे नॉर्मल स्विच काम करते हैं, कि ये बिट्स को स्टोर करते थे. बाइनरी जो डाटा है वो नॉर्मली दो डिजिट की फॉर्म में ही होता है, आइदर ऑफ 1 or 0. तो जब स्विच ऑन स्टेट पे होगा इट मींस कि बिट 1 है, और जब ये ऑफ स्टेट पे होगा तो 0 है. तो ये जो कंप्यूटर्स थे ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते थे, और वो जो बाइनरी लैंग्वेज थी वो बिट्स की फॉर्म में होती थी, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. फिर जैसे जैसे आगे चलते हुए जब ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए तो अब इन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली ट्रांजिस्टर्स ने. ट्रांजिस्टर्स जो है वो चूंकि वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में छोटे थे और रिलायबल भी थे और फास्टर भी थे, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वो यूज़ होती थी. उसके साथ साथ ये जो सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं ये मैग्नेटिक कोर्स को इस्तेमाल करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए. फिर ये चूँकि वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में स्मॉल थे तो ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इनका साइज़ भी स्मॉल हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर IBM 7090 को देख रहे हैं. तो ये आपके पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं. और इन ट्रांजिस्टर के एड अप होने की वजह से सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई. ये तकरीबन 32,000 कमांड्स पर सेकंड ये उनको कंप्यूट कर सकते थे, उनको एट अ टाइम इतने काम एक सेकंड के अंदर, इतनी कमांड्स एक सेकंड के अंदर उसको कंप्यूट कर सकते थे. ये आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो में ये ट्रांजिस्टर्स भी देख रहे हैं. तो ये ट्रांजिस्टर के एड अप होने से जी जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है इसकी रिलायबिलिटी बढ़ी, एनर्जी कंजम्पशन वो डिक्रीज़ हो गई, यानी कम एनर्जी पे ये ऑपरेट हो जाते हैं. फिर ये थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, उसकी वजह ये थी चूँकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहा था ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इस वजह से साइज़
ओवरऑल कंप्यूटर का वो बहुत हद तक स्मॉल हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जो गैप्स जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थे, वो इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने उसको कवर अप किए। तो इसमें ये कंप्यूटर IBM 7090 और IBM सिस्टम 360 जो है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैं, तो जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती थी इसमें, वो होती थी असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज समहाउ मैच करती है हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी हद तक मैच करती है उससे, यूज़र फ्रेंडली है कुछ हद तक। और इस असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता था, तो ये असेंबली लैंग्वेज में लिखने के बाद वो जो कंपाइलर होता था वो क्या करता था, इस लैंग्वेज को दोबारा से कन्वर्ट करता था कंप्यूटर लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज जो समझ आती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, जो कि 1-0 की फॉर्म में होती है। उसको उसके अलावा और कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये जो असेंबली कंपाइलर होता था, ये उस असेंबली लैंग्वेज को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता था। कंप्यूटर उस पर जो भी कंप्यूटेशंस करनी होती थी वो करने के बाद एट द एंड रिज़ल्ट आपको हेक्साडेसिमल और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में वो आपको आउटपुट शो करता था। अगर आपने डाटा उसको कंप्यूट करने के लिए, उस पर प्रोसेस करने के लिए, अगर उसको डाटा डेसिमल में नंबर्स में दिया है और तो वो आंसर आपको डेसिमल में देगा, हेक्साडेसिमल में दिया तो आंसर हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट करके देगा। तो ये बैक एंड पे ये कन्वर्जेंस चल रही होती थी कि डाटा आपका बाइनरी में कन्वर्ट होता, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता और एट द एंड रिज़ल्ट आपको जो भी गिवन डाटा फॉर्मेट है उसमें दोबारा से आउटपुट शो करता। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक और नई चीज़ का इजाफा हुआ, जिसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट और उसकी शॉर्ट फॉर्म IC है। तो जब ये इसकी इन्वेंशन हुई, अब IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये होते क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट ये आपके पास एक चिप होती है, इस चिप के ऊपर आप 100,000 और इवन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इस एक चिप के ऊपर आप उसको एम्बेड कर सकते हैं। अब जहाँ पे 10 लाख ट्रांजिस्टर अगर आप इंडिविजुअली लगाएं, अलग अलग करके लगाएं, तो वो जितनी स्पेस लेंगे इससे बड़ी होगी। तो IC की इन्वेंशन ने क्या किया कि साइज़ को और ज़्यादा श्रिंक कर दिया, कि आप 10 लाख ट्रांजिस्टर अगर अलग अलग लगाते तो वो एक अच्छी खासी जगह को बोर्ड पे कवर करते। तो IC के आने से ये लाख जो ट्रांजिस्टर हैं वो इतनी सी चिप पे एम्बेड हो सकते हैं, और इसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत हद तक डिक्रीज़ हो गई। कि जहाँ पे आपको हर एक ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए 3 वोल्ट रिक्वायर्ड थे, तो अब वहाँ पे ये लाख ट्रांजिस्टर आप उसको 5 से 12 वोल्ट के दरम्यान वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं। इस IC के आने की वजह से क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का साइज़ है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, प्लस जो है वो डाटा रेट वो भी बहुत हद तक इंक्रीज़ हो गया। और ICs और कोर्स को यूज़ किया जाता डाटा स्टोरेज के लिए। तो जो ये थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है, जो कि IC यूज़ कर रहा है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे, वो तकरीबन 128,000 बिट्स पर सेकेंड
ये इतना डाटा प्रोसेस, यानी इतनी कमांड्स एक सेकंड के अंदर आप अगर इस कंप्यूटर को दें तो ये उसको कंप्यूट करके आपको आंसर जो है वो उस पे काम करके उसकी आउटपुट आपको शो करेगा। इसी तरह से ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, कीबोर्ड अटैचेबल थे, कीबोर्ड इसके साथ अटैच होता था और ये कीबोर्ड से इनपुट लेके उसकी आउटपुट को जनरेट करता था।